वो लेते थे हील पे। अच्छा। हमारे स्कूल में ना फैंसी ड्रेस होती है। मुझे लगा तुम्हारे स्कूल में भीष्म पितामह लेते थे। नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7th of April। 8 बजे यूजली वर्क स्टार्ट होता है और घर से ही शुरू करना है तो अलग से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कर रेडी हूँ, क्योंकि जब ऑफिस जाता था तब एक शेड्यूल टाइम था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे ब्रश करना है, इतने बजे ये करना है वो करना है करके 8 बजे ऑफिस पहुँच जाना है। अब घर पर अगर 8 बजे बैठना है ऑफिस के लिए तो ये दिमाग में लगता है कि उठूँ कब, 7:45 को उठूँ या 7:30 को उठूँ करना। आज एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था नितिका के साथ, एंड वो ये बात है कि व्हाट इज़ अबाउट द मदर्स प्रोटेक्शन व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट एंड व्हेन दे स्टार्ट अ जॉब। तो लाइक ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जर्मनी में जैसे आप कोई एक प्रेग्नेंट मदर है एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर सम कंपनी एंड ऑफकोर्स उसको भी प्रोबेशन पीरियड मिलता है 6 महीने का, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इट सीम्स, मुझे पता चला कि जैसे आप कंपनी में काम करना शुरू करते हैं एंड देन जिस दिन से आप डिक्लेयर करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो वो दिन से आपका यहाँ पे एक सिक्योरिटी है मदर मोटर शूट्स करके, वो लागू हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि उस मोटर शूट्स के दौरान आपको कोई फायर नहीं कर सकता कंपनी से लीगली। और वो शुरू कब होता है, वो शुरू होता है जिस दिन से आप बोलते हो अपने एम्प्लॉयर को, उस दिन से शुरू हो जाता है। और टेक्निकली देखा जाए तो वो चलता है आपके चाइल्ड बर्थ के 4 मंथ्स तक, चाइल्ड बर्थ होने के 4 मंथ्स तक, उससे कम भी हो सकता है बट 4 मंथ्स तक जनरली। तो ये मोटर शूट्स बोलते हैं इसको, उसमें आपको कोई भी फायर नहीं कर सकता। तो ये सब तो ठीक है, बट एक उसमें और एक क्वेश्चन ये था कि जो प्रोबेशन पीरियड है, मान लो कंपनी का 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, तो वो क्या चाइल्ड बर्थ होने के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है क्या? नहीं, वो प्रोबेशन पीरियड वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड में तुमने अपना मोटर शूट्स इनेबल कर दिया और वो पता है कि मोटर शूट्स काफ़ी दिनों तक चलेगा, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता है इस चीज़ के बारे में, इट वुड बी वेरी वाइज टू नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं लोगों को और जागरूक कर सकूँ। बट दैट इज़ व्हाट द अंडरस्टैंडिंग आई हैव सो फार। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द न्यू डे। अभी ना मेरे को बच्चे से ट्रीट हुआ यार। मैं ना अभी बोला कि नितिका 12 बज के खाना खाने को बनता है, ठीक है ना? तो उसने बोला मेरे को कि एक फ्रूट खाओ पहले। मैंने बोला फ्रूट क्यों खाऊं? क्योंकि बोलते खाने से पहले फ्रूट खाना चाहिए, खाने से पहले फ्रूट खाना चाहिए। कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का लॉजिक है? नहीं, घर का लॉजिक है, ठीक है? तो खाना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम वेजिटेरियन खाना बन रहा है। अरे तुमने देखो, इंडियन सब्जी, इटालियन पास्ता और चाइनीज राइस। अरे यार, इतना बचा खाना रह गया था ना कल परसों से, है ना? कल भी गए ना जब लंच पे, तो उन्होंने भी हमारे टिफिन पैक करके दे दिया। एक्चुअली मैंने मेरे को लालच आ गया था, मैंने नमन को बोला नमन पैक कर दे, मतलब तू अकेला खाएगा इससे बढ़िया मैं भी खा लूं। वैसे तो अभी निकले हैं, अभी थोड़ी देर पहले ना कि सनी है, थोड़ी देर पहले बर्फ गिर रही थी यहाँ पे एंड हमें आइडिया नहीं था कि आज बर्फ गिरेगी एंड सडनली वेदर इतना ठंडा हो गया कि फिर से वापस जैकेट पहनने लग गए हैं। तो अभी निकल रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट सामान लेने, वो है चाय। एंड उसके लिए हम अपने घर के पास वाले सुपरमार्केट नहीं, घर से थोड़ा 20-30 मिनट की दूरी पे सुपरमार्केट है, वहाँ जाके चाय लेके आने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि काम है। अच्छा, हमें भी वेले नहीं है। मॉल में सबसे बड़ा चीज़ है कि दुकान ढूंढना। अब मैप जब तक नहीं मिलेगा अभी हम मैप ढूंढेंगे, मैप ढूंढने के बाद दुकान ढूंढेंगे। इतना बड़ा मॉल है भाई, ये बहुत पतला है ये वाला, ये ग्रास लग भी नहीं रहा है। ये कितना मस्त वाला ग्रास लग रहा है ना, ये हार्ड भी नहीं है। मतलब ऐसे देखिए, बार्सिलोना का है, कुंस्ट रासन बार्सिलोना। बट हाउ मच? 40 का है। क्या बोले, कौन सा? ये खाद है? नहीं खाद नहीं, ये पत्थर है, ये खाद है। ये वही खाद है कि मिट्टी है? खाद है, खाद देखो ना, एड़े मतलब अर्थ, ऑसर्ट्स एड़े। तुमको अगर सुगंध वाली मिट्टी की खुशबू चाहिए तो एरोमेटिक मिट्टी भी मिल जाएगी। ये इंडिया में बिकती ना तो ये क्या नाम होता है, मिट्टी की खुशबू। ये पता क्या है, ऑफ डार्क पाउडर एंड शुपन। ये जो एनिमल है ना, ये गाड़ी के नीचे, गाड़ी के जो ब्रेक केबल्स है ना, सब ये खा जाता है, क्योंकि हाँ उसको काट के खा जाता है इनफैक्ट। तो लोग इसके लिए भी इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ियों का। अरे पंप चाहिए, पंप चाहिए अपने को। कितने का ये? 34 यूरो का पंप। 34 यूरो का पंप लेके क्या करेंगे? नहीं, 34 नहीं है भाई, ये यहाँ।
वेंट कार फ्रेशनर 30 दिन तक काम करता है। अच्छा गाड़ी जब चलेगी तभी 30 दिन होगा ना? ऐसे थोड़ी ना यार, लेकिन क्या है ना बहुत जरूरी है गाड़ी के अंदर एयर फ्रेशनर, आप समझ जाए क्यों। नहीं इन एक कील पे कौन लेटते होंगे बताओ, तो कील पे कौन लेटता है बताओ, कील तीरों पे, तीरों पे कौन लेटा था ये तो बता दो। बीच में पितामा वो लेटे थे कील पे। हमारे स्कूल में ना फैंसी ड्रेस होती थी ना। लगा तुम्हारे स्कूल में बीच में पितामा लेटे थे। नहीं कौन सी वाली? वो देखो वो रेवे की है और ये दूसरी बेकरी। तो ये अच्छा मैं इसको लेके खत्म करता, बहुत कंफ्यूज हो गए तो ऑप्शन भी तो देखो, ये सेक्शन ब्रेड वो सेक्शन ब्रेड ये वाला सेक्शन भी ब्रेड और ये वाला भी ब्रेड। आज धूप भी निकली, स्नोफॉल भी हो गया, आज बारिश की रह गई है बस। Oh my God, this is seriously man, April है ये, April. April में स्नोफॉल है। Cool बनाया है वेदर ने। तो जर्मनी में एक सेइंग है अप्रैल के बारे में, अप्रैल बस एस विल, मतलब अप्रैल जो चाहेगा वो ही होगा। तो अब वही हो रहा है, ये जो वेदर चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारा बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ना टायर्डनेस सी लग रही है, मतलब थोड़ा टायर्ड लग रहा है बॉडी, और कभी धूप है कभी ठंड है, तो इसको एक्चुअली भी बीमार होने वाला मौसम कह सकते हैं। बट हाउएवर हम लोग बहुत अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे हैं। पूरा हीटर चल रहा है पूरे घर में, 2 दिन से चल रहा है हीटर, क्योंकि -1 हो जाता है रात को। बट आज मुझे एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट चीज़ का खुलासा पता चला, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं करीबन 1 साल से हर सुबह को उठ के नितिका मुझे आलमंड्स छील के देती है। अब क्या है कि वो जब मुझे देती है तो मैं उसको पूछता हूँ कि भाई क्यों दे रहे हो, ऑफकोर्स कि क्यों खाना है मुझे, मतलब ऑफकोर्स अच्छी चीज़ है बट रीज़न पूछना भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमेशा ना मुझे एक वेग रिप्लाई, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो या तो वो किसी और से सुनते आ रहे हैं, अपने मेरे घर में भी है ऐसा था, तो वो था कि ब्रेन अच्छा होता है, उससे दिमाग तेज होती है, बुद्धि तेज होती है, इतना पता नहीं था। आज मुझे उसका फाइनली सीक्रेट पता चला, मैं आपको शेयर करता हूँ। बॉडी में एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज आर दोस टिश्यूज विच एक्युमुलेट फैट, ठीक है। तो वो एक एडिपोज टिश्यू ब्रेन में भी होता है। उसको ग्रो करने के लिए आपको चाहिए फैट, फैट कंजप्शन। कौन से फैट? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो इंटेक है वो यूजुअली हम नहीं ले पाते अपने बॉडी में जितनी मात्रा में हमें चाहिए, बिकॉज वो आता है हमें या तो आलमंड से या तो फिश से या तो और भी 2-4 चीज़ें हैं ऑर्गन मीट्स से। तो काफ़ी लोग हैं जो इंडिया में ऑर्गन मीट नहीं खाते या फिश नहीं खाते, तो उनके लिए एक ही तरीका है, वो है आलमंड खाना। पर अगर आपके डाइट में फिश है, अगर आप ऑर्गन मीट्स खाते हैं, इट्स इन योर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, इट्स फाइन। बट जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो आलमंड्स खाएं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन में एडिपोज टिश्यू है उसको फैटी एसिड्स मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड देन इट ग्रोज, एंड वंस इट ग्रोज इट ब्रिंग्स इन जैसे आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो अगर वो, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि वो अगर ग्रो नहीं करेगा तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। उसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि एंग्जाइटी, फियरलेसनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं आप पे। पर अगर आप वो चीज़ लेते हो और वो अच्छे से ग्रो करता है आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू इन योर ब्रेन ड्यू टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, देन यू आर नॉट हैविंग सो मच एंग्जाइटी, सो मच फेयरलेसनेस, सो मच एग्रेसिवनेस, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई गॉट टू लर्न टुडे।